नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं संतोष कुमार पारिख सिद्धि हिंदी विद्यालय। अपने अभी जो चैप्टर चल रहा है, दूसरा चैप्टर चल रहा है संचालन के सिद्धांत, इसका मैंने आपको ब्लूप्रिंट बताया था कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में से बोर्ड में 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बात मेरे पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताई है, या मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 6 मार्क्स इसमें पूछे जाते हैं बोर्ड में इस लेसन में से, उसमें से एमसीक्यू का 1 मार्क्स होता है। एमसीक्यू का 1 ही प्रश्न आता है और 2 मार्क्स का 1 प्रश्न आता है और 3 मार्क्स का 1 प्रश्न आता है। इस प्रकार मिलकर के ये 6 अंक होते हैं। तो एक और महत्वपूर्ण सूचना, अब जो लेशन आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो लेशन का YouTube के माध्यम से, इसके अलावा सिद्धि स्कूल के चैनल के माध्यम से आपको एक PDF फाइल भेजी जा रही है, जिसके अंदर आपको वो पूरा लेसन उस PDF फाइल के अंतर्गत मिल रहा है। तो और अच्छे से आप उसमें अभी पढ़ सकते हो, क्योंकि हम जो बताते हैं वो पूरे लेसन के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं वो उसका पूरा निचोड़ निकालने के बाद, उसमें से कुछ काट पीट करके और उसके बाद जो आवश्यक बात होती है वो बताई जाती है। इसलिए PDF के जरिए आपको पूरी की पूरी जानकारी भी अब मिलेगी। तो आज हम बात करते हैं संचालन के सिद्धांतों का महत्व। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। संचालन के सिद्धांतों का महत्व समझाइए, 3 नंबर का प्रश्न है। मैंने पॉइंट पहले भी आपको बताए थे। पहला मुद्दा है कार्य क्षमता में वृद्धि। अब काम में वृद्धि कैसे की जाए, काम के अंदर वृद्धि किस प्रकार की जाए, तो संचालन के सिद्धांत संचालकों को विविध प्रकार की परिस्थिति में किस प्रकार काम करना है, इस हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसके द्वारा धंधा के इकाई की कार्य पद्धति में सुधार आता है तथा इससे संचालकीय कार्यक्षमता में वृद्धि दिखाई देती है। यह है कार्यक्षमता में। दूसरा पॉइंट आता है संसाधनों का महत्तम उपयोग तथा प्रभावशाली प्रशासन। अब इसके अंदर संसाधनों का संचालन के सिद्धांतों द्वारा इस तरह उपयोग करना कि जिससे कम से कम खर्च पर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संचालक के सिद्धांत संचालकों को उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय कार्यों का कारण और असर देखने के लिए अवसर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया गया है या हमारे द्वारा किए गए प्रयास से भूल से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता। तो यह है संसाधनों का महत्तम उपयोग और प्रभावशाली प्रशासन। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट आता है वैज्ञानिक एवं तार्किक निर्णयों में सहायक।
संचालन के सिद्धांत संचालकों को योग्य निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। संचालक के सिद्धांतों का उपयोग करके पक्षपात अथवा भेदभाव एवं पूर्व ग्रंथी बिना योग्य निर्णय समयानुसार लिए जा सकते हैं। यह है वैज्ञानिक तथा तार्किक निर्णय में सहायक। बात करते हैं चौथे पॉइंट की, परिवर्तित होते व्यावसायिक पर्यावरण के समकक्ष। संचालन के सिद्धांत सामान्य मार्गदर्शिका तो है, परंतु बदलती हुई परिस्थिति में बदलता हुआ धंधा के पर्यावरण का सामना करने के लिए संचालक के सिद्धांतों की आवश्यकता रहती है। यह है बदलती हुई परिस्थितियों में, यानी परिवर्तित होते व्यावसायिक पर्यावरण के समकक्ष। पांचवा, सामाजिक दायित्व निभाना। धंधा समाज का अंग है और लाभ को धंधे का एक उद्देश्य माना है, परंतु मात्र उद्देश्य नहीं, समाज का विकास और उन्नति ये भी धंधा की इकाई का उद्देश्य है। संचालन के सिद्धांतों को प्रभावशाली अमल से धंधा की इकाई सरलता से सामाजिक दायित्व का लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। और नंबर छह है, संशोधन प्रशिक्षण और विकास के लिए उपयोगी। संशोधन संचालन के सिद्धांतों के द्वारा उपयोग के द्वारा प्रशिक्षण शिक्षण तथा विकास का काम सफल होता है। मानो अलग अलग धंधाकीय इकाइयों में भर्ती के लिए अभिरुचि यानी कसौटी ली जाती है, इन अभिरुचि कसौटी को संशोधन से तैयार किया जाता है और संचालक के सिद्धांतों के अमल से इनका उपयोग करके योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है, इसलिए इसकी भी जरूरत पड़ती है। तो यह है संचालन के सिद्धांतों का महत्व। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, नंबर एक, कार्यक्षमता में वृद्धि। नंबर दो, साधनों का महत्तम उपयोग और प्रभावशाली प्रबंध। नंबर तीन, वैज्ञानिक एवं तार्किक निर्णयों में सहायक। नंबर चार, परिवर्तित होते व्यावसायिक पर्यावरण के समकक्ष। नंबर पाँच, सामाजिक दायित्व निभाना। और नंबर छः, संशोधन प्रशिक्षण और विकास के लिए उपयोग। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।